हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं जा रही हूँ मंदिर। अभी नहाना धुआना चल रहा है हमारे भाषा में, तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। हम लोग सबको ही जाएंगे और उसके बाद में फिर यहाँ से। एक्चुअली तबीयत बहुत ख़राब हो गई मेरी, तो खैर मुझे तो प्रॉब्लम आप लोगों को पता ही है, डाइजेस्ट वगैरह। और मेरी दोस्त का भी वही हाल हो गया। उसके बाद अभी हमारे बाथरूम पानी नहीं है, एक मिनट आप लोग लाइन में। ये मैडम रानी है, बैठ के मोबाइल चला रही है, ठीक है। रणवीर आएगा स्मार्ट बॉय बन करके, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। और तो अभी जाएंगे मंदिर हम लोग। अभी थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मंदिर तो जाना है। आज मंगलवार है, बस आज, कल हमारा ट्रेन है। हो गया पूरी, पूरी भी घूम लिए और माइंड फ्रेश भी हो गया। कुछ कुछ अनफ्रेश भी रहा, कुछ फ्रेश भी रहा, ऐसा वाला हाल रहा है। जिस बहुत दर्द हो रहा है, अजीब टाइप का डाइजेस्ट प्रॉब्लम है। मैं इसलिए ज़्यादा बाहर का ना थोड़ा नॉर्मल खाती हूँ। वैसे आप लोग कैसे हो, अपनी सोनम दीदी को आप लोग मिस कर रहे हो, मेरे सच्चे सपोर्टर, मेरे सच्चे वाले प्यारे वाले दोस्त लोग सब सारे। और अभी मैं रेडी हो जाने के बाद में हम लोग सारे तो आपको दिखाती हूँ। रणवीर है, ये देखिए कितना प्यारा। हाय करो रणवीर, यहाँ देखो। हाँ स्मार्ट लग रहा है ना मेरे बेटा, मेरे बेटा स्मार्ट लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग तैयार वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ब्लॉग बनाना। ओके बाय। हेलो, हम लोग चले अभी मंदिर। तो मंदिर तो अंदर कैम लेके जाना अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर तक ही ब्लॉग बना के आप लोगों को एटलीस्ट दिखा दूंगी। प्लीज सब प्रणाम कर लेना। ये है हीरोइन, जा रही है हीरोइन है। कल मेरे साथ घटना घट गई, मेरा जो है ना चश्मा गोगल वो भी पानी में बह गया। और मेरा जो पैंट मैंने लाया था ये करने के समय में, स्विम करने के समय, वो भी मेरा ऊपर से कोई चोरी कर लिया, छत से मैंने सुखाया था। कुछ भी नहीं चोरी हुआ, बहुत सुंदर सा शायद वही चोरी हो गया। अब आप बताओ ये कोई बात हुई जी? आगे। हाँ चलिए, तो हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स। नहीं ऑटो पे जाएंगे, मैं आप लोगों को आगे से ब्लॉग दिखाऊंगी। ये हमारे पंडित जी हैं, हम लोग ये दर्शन करवाएंगे। देखिए रणवीर दिख रहा है, ये रहा ठीक है। तो मैं मंदिर पे मिलती हूँ आप लोगों से। ओके चेता है। जैसे मैं वीडियो में हूँ वही मैं निजी लाइफ में भी अपनी
कोई फरेब करना नहीं आता, ठीक है। आप लोग देखो भगवान जी को, ये है मेरे जग के जगन्नाथ का मेन जगह। ये हम लोग बैक साइड से शायद एंट्री कर रहे हैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है। साउथ गेट, ये साउथ गेट है, इसका मतलब साउथ की तरफ वाला फेस जो है ना, वो वाला गेट है। चार चार फेस है, ये साउथ फेस है। ये बजरंग बली है, देखो बाबू, देखो यही है बजरंग बली, यही है बजरंग बली के बारे में बोले थे ना, वही अभी मैं मोबाइल जो है यहाँ जमा कर रही हूँ, फोन सारा जमा हो जाएगा यहाँ पर, तो इसके बाद ही मैं ब्लॉग दिखाऊंगी आप लोगों को। मंदिर के अंदर का दर्शन नहीं करा पाऊंगी, फ्रेंड से मैं कोशिश करूंगी वीडियो बनाने का, ठीक है। हाय फ्रेंड, देखो मंदिर का दर्शन हो गया है, अब जो है हम लोग पहले रूम जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही अधिक गर्मी है, बहुत अधिक हालत ख़राब है गर्मी का, पैर जल गया है पूरी तरह से, पैर पूरी तरह से। यहाँ रणवीर लोग जो है सबका बैंड बज गया है, आइसक्रीम लेगा सबको, मंदिर है ये मंदिर का है, ये बैक साइड है, फ्रंट उस साइड है, होगा तो शाम को आके हम लोग फ्रंट दिखाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। आज का ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू रहेगा पूरा रात का एंड तक, जो जो भी करूँगी सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी, ओके बाय। अभी मिलती हूँ, और मुझे बहुत मन था कि मैं आप लोगों को आगे से दिखाऊं, मगर हम लोग को बैक साइड उतारा गया तो समझ में नहीं आ रहा कैसे किस तरफ से आगे जाना है। शाम को कोशिश करेंगे वापस आने का, बाय। चल रहे फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं होटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़ा धूप है, हद से ज़्यादा, देख लीजिए आप लोग धूप, तो अभी सवाल ही नहीं होता कि कहीं जा पाए। खाना पीना भी लाइटली लिया जाएगा क्योंकि शरीर ख़राब हो गया पूरा। चलो पानी का बॉटल तो नहीं लिए, इससे लेना ही नहीं है, इससे ख़राब हो रहा, बाहर से तो पियेंगे क्या फिर रूम में जाके पानी। फाइनली गाइस होटल आ गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो चुका है, चढ़ भी नहीं पा रहे। चलिए फिर हम लोग शाम को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं। फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं, और इतना कड़ा धूप के वजह से मैं ये ग्लूकोंडी लेके आई हूँ ताकि इसको पीने के बाद मुझे थोड़ा सा शक्ति मिलेगा शरीर के अंदर में, ठीक है। और खाना अभी तक सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ, तो जिन लोगों को प्रूफ चाहिए था कि मैं गोवा में हूँ या पूरी में हूँ, शायद उनको ये ब्लॉग जाने के बाद समझ में आ जाएगा, अब वो समझ जाएंगे किसको बोल रही हूँ, ठीक है। ये हो गया मेन मनसा था मेरा, अपने भगवान जी का दर्शन मुझे नसीब हुआ, मैंने किया क्योंकि मुझे नया काम स्टार्ट करना है, उसके लिए मेरे भगवान का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी था। मैं उनकी भक्त हूँ, वो जानते हैं अच्छे से, और अपने भक्त को कभी भी उनके भगवान कभी निराश नहीं करते, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग बीच जाएंगे, कभी कभी ब्लॉग डालूंगी, सारा डालूंगी, आज पूरा रहेगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मेडिकल शॉप, मेरा तबीयत पूरा खराब हो गया, मेरी दोस्त की तबीयत खराब हो गया, मेरा तबीयत तो दो दिन से खराब था, लेकिन मैं मैनेज करने की मेरा आदत है ना, और खाली वॉमिटिंग हो रहा है, कुछ
खाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं कौन सा खाना से हमें जो है वो बड़ा फूड पॉइजन हुआ है, अच्छा ही नहीं लग रहा। हम लोग जा रहे हैं अभी, देखते हैं मेडिकल शॉप किधर है यहाँ पर। और आज तो यहाँ बहुत हद से ज़्यादा गर्मी थी, हद से ज़्यादा परेशान हो गए गर्मी के वजह से। आज तो हम लोग बीच भी नहीं जा पाए हैं, रणवीर है बीच भी नहीं जा पाए, बस आज भर है। कल हमारा लास्ट डे है, कल हमारा ट्रेन है, कल हम लोग चले जाएंगे। ओके, मेडिकल शॉप में आई हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा फूड पॉइजन हो गया है, क्या खाई हुई तो फूड पॉइजन हुआ है। फ्रेंड्स ये पूरा मार्केट है, देख रहे हो ना, पूरा मार्केट है ये सारा उनका, पूरा मार्केट। हम लोग फिर बीच में जा रहे हैं, तबियत ठीक नहीं है, लेकिन टहलना तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा टहलेंगे तभी ना अच्छा लगेगा। चलो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा चौपाटी जैसा होता है ना वो बीच पे, सारा खाना पीना सारा कुछ यहाँ लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर गोलगप्पे है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ मैं देख रही हूँ, सिर्फ मैं देख रही हूँ, खा नहीं सकती। बच्चे लोगों को खिलाने लाए, उधर है अपना समुंदर देखो, जाऊंगी सामने तो दिखाऊंगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। ये रात का नज़ारा है, देखिए शाम का बिल्कुल रात अंधेरा, रणवीर और बेबो है। अभी नहीं जाओ उधर, पानी में मत जाओ, अभी जाना है, रुको थोड़ी देर में। रात का नज़ारा है, आज क्या है कि थोड़ा सा शांत है, पूर्णिमा था ना कल, उसके वजह से, कल पूर्णिमा के वजह से बहुत ज़्यादा लहर तेज था, बहुत दूर तक आ रहा था, लेकिन आज लहर जो है शांत है। बस आज है हमारा रात, कल हम लोग निकल जाएंगे, ये नज़ारा फिर पता नहीं कब नसीब होगा। आज हम लोग स्विमिंग वगैरह कुछ कर नहीं पाए, दिन भर तबियत खराब होने से आए, उसके बाद घर घूमते ही पड़े हुए थे। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, कल कल का बनाती हूँ, बाय।